सो वेलकम टू गेम एक्स न्यूज एंड आज की वीडियो यार काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। काफी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इसके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है क्रॉन्टन को लेकर। तो जो क्रॉन्टन है वो हमें लाइव देखने को मिले थे जोनाथन के साथ एंड उसकी चैट में हमारे को मवी भी देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने उस चीज के ऊपर रिप्लाई करा एंड काफी लोग उनसे बोल रहे थे जोनाथन पावर, तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी वोटिंग वगैरह कुछ रहेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग, आने के लाइन साथ में गाके बता एक बार, अफीम 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 उसको। हेलो कुछ बोलना चाहोगे आप? इसके बाद आप लोगों को भी कल की बैटल के बारे में पता होगा, जहाँ पे हमारे को मान्या वर्सेस जेली की एक बैटल देखने को मिली थी एंड फाइनली वो जेली ने जीत लिया है। तो इसके बाद सिड भाई से काफी लोग बोल रहे थे कि जो मान्या है वो जीत नहीं पाया, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। चले वोटिंग में हार गए आज भाई। ईशान भाई देखो मेरी तरफ, देखो मेरी शक्ल को देखो। आज मैं गया था एक लड़की के साथ जिससे अपने को लगाव है, ठीक है। मैंने वो पैसे उड़ाए उसके ऊपर जो मैं एसेट ड्यूल से कमाया हूँ। उसने मेरे को ये अंगूठी दी है, मैं वो गाड़ी में ट्रैवल किया हूँ जो मैंने एसेट ड्यूल के पैसे से कमाए थे, जो अपने मम्मी को गिफ्ट करे थे। और अब मैं स्ट्रीम करने आया हूँ, रात के 1 बजे 800 लोग खड़े हैं यहाँ पे। डू आई लुक लाइक आई गिव अ फक कौन कहाँ किधर क्या जीता? Does this look like the face of a man who gives a fuck? ESL आ रहा है, ESL VSL है, देख लेंगे तभी। नीचे चैंपियनशिप वो बन रही है आई थिंक, एक और कोई तो इवेंट चल रहा है 10 पॉइंट वाले में जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पे चल रहे हैं। Does this look like the face of a man who gives a fuck? Do you realize how good my life is right now? This face looks like a... आप लोगों को भी पता ही है, काफी लोग ये चीज बोल रहे थे कि जो कार्निवल के प्लेयर्स हैं साथ में जो टीम SATL है उनके जो रिलेशन है वो खराब हैं। लेकिन हमारे को कल गोल्डी भाई एंड हेक्टर जो है उनकी कॉन्वर्सेशन देखने को मिली लाइव चैट में, उनकी जो चैट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड बेसिकली दोनों यार फन कर रहे थे एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। इसके बाद जो स्काउट है उनको एक सुपर चैट आई जहाँ पे एक बंदे ने उनसे ये चीज बोली थी कि एक फैन पेज है जो कि हेट वगैरह दे रहा है आपकी मॉम को एंड साथ में काश्वी को, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यार ऐसा भी लाइक सोल्जर्स, देखो यार मैं आपको ये बोलूंगा, मैं एक बार बस आ जाऊं इंडिया, मैं अच्छे से वापस पर सारा चीज सॉल्व वापस इंडिया में 10-15 दिन रुकूं, तो उस हिसाब से मैं अच्छे से आप लोग का एक एग्जांपल बहुत प्यारा सेट कर दूंगा। बहुत अच्छे से वर्क चल रहा है, एक दो लोग हैं जिनके जिनको एक पब्लिक एग्जांपल बनाया जाएगा, आप लोग वेट करना। बस मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम पे आप लोग प्लीज रहम मत खाना मेरे को बोलना यार स्काउट भाई गलत बात है, छोटा बच्चा है या फिर लाइफ खराब हो जाएगी उसकी, बस ये मत करना ठीक है, क्योंकि इस बार मैं ऑल आउट गया हूँ, इसलिए मैं हवाबाजी कुछ नहीं कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ बैक एंड में कर रहा हूँ, सीधा रैप मारूंगा। S24 लिया। इसके बाद आप लोगों ने कल हेक्टर की स्टोरी देखी होगी एंड वही स्टोरी हमारे को ओमेगा एंड गॉब्लिन की भी देखने को मिली थी। तो जो हेक्टर हैं जब वो लाइव आए थे तो उन्होंने स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट बताया था, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। बट मैंने कुछ लोगों को देखा हो जिसने अब्यूज किया है बहुत गंदे वाले एंड अपना ईगो हर्ट क्यों हुआ पता नहीं मेरे को, मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल था, वो स्लॉट के रिलेटेड था, तुम्हें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अगर डिटेल में बताना होता ना तो स्टोरी में ही कॉन्टेक्स्ट बता चुके होते, हम डिटेल में नहीं बताना चाहते थे, इस वजह से हमने वैसा डाल देते समझे, रिलेटेड था। हम अभी छोटी ऑर्ग में हम लड़ेंगे नहीं क्या अपने स्लॉट के लिए, हम पे इनफ अचीवमेंट्स है तो हम डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं पे, हम ऑब्वियसली लड़ेंगे ना, एंड हम पे उतनी पावर नहीं कि सामने के खुला खुला लड़े, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वे में बोलेंगे एंड जिसको समझना था उनको समझ आ जाता है भाई वो कॉन्टेक्स्ट में। अब बाकी को जो गलत फहमी है वो हम क्या करें उसने, मतलब हमारी नहीं गलती ना। स्टोरी किस लिए था? स्टोरी पहले एक बात बताओ, तुम जो हरामी लोग है ना चैट में हेटर्स जो असली है, तुम्हें क्या लग रहा है किसके लिए था? पहला खुद बताओ,
मेरे को भी देखना है तुम कितने अच्छे हो, कितने साथ देते हो, कितना सपोर्ट करते हो, बताओ थोड़ा। कल डीएम में तो मेरे को बहुत गाली पड़ी, मतलब ना कॉन्टेक्स्ट पता है ना मतलब पता है, बस बजना है गाली देना है, मतलब पता भी था क्या कॉन्टेक्स्ट है, पता भी था, कुछ भी नहीं बता देना। स्काई स्लॉट, स्लॉट भाई, स्लॉट का तो तभी पता चला ना तुम्हें जब आज मैंने ब्रॉडकास्ट में बोला। एंड इसके बाद हमारे को जो इनसेन एरेना की स्ट्रीम पे देखने को मिला था पीओवी सुनामी का, एंड बेसिकली वहां पे हमारे को 3 सेकंड का कट देखने को मिला था सुनामी की एक क्लिप के अंदर, जिसके ऊपर जो स्नेल ओपिया उन्होंने यार एलिगेशन लगाई थी। तो इस चीज के ऊपर जो सुनामी है उन्होंने अपनी स्टोरीज डालकर कुछ रिप्लाई किया था। उठा रहा हूं जो आपके चैनल पे अपलोडेड है, और पीछे और पीछे। हां हां बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से और पीछे करिए। हां जी हां जी, यहां से ये गेम में आप आ चुके हो। 2-10 हुआ, 0-0 हुआ, फिर 2-8-7-6 उसके बाद हुआ है, तो तुरंत नहीं हुआ ये भी। ये 3 सेकंड का हुआ है। अरे तुम मेरे को बात बताओ, चलो ठीक है, आप जो भी नया उस लगाए। अब आप ये बोलोगे स्नेल भाई मेरे को बताओ, जब मैं मेरा गाइडेड एक्सेस ऑन कर रहा हूँ तब कैसे मैं हैक लगा रहा हूँ? जब मैं गाइडेड एक्सेस ऑन कर रहा हूँ आप बोल रहे हो 3 सेकंड, अब तुमने ये लगा दिया। जब मैं गाइडेड एक्सेस मेरा दिख रहा है, मेरे जितने मूवमेंट करी थी ऊपर उतनी ही सेम मूवमेंट मैंने नीचे करी है, वो 3 सेकंड का क्या हो रहा है मेरे को क्या पता? मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैकेनिज्म को पता है, यूज किया नहीं When I was zero, मैंने तो यूज करा नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ रिएक्शन टाइम जो नॉर्मल होता है इंसान का, उसमें 2-3 सेकंड ही लगते हैं सब काम करने के लिए। आपका ओवरले स्टार्ट हो रहा है नहीं, जैसे आपको बनाया तो नहीं लगता कि मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया, मैंने मेरा वहां से सेम गाइड एक्सेस ऑन किया, एंड देन जो हुआ मेरे को नहीं पता। आपने देखा, आपने देखा ना, देखो ना, दिख रहा है गाइडेड एक्सेस ऑन हो रहा है, मेरा स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच क्या हो सकता है? उसे मुझे क्या, ये गेम कैसे 3-3 सेकंड खत्म हो रहे हैं, 3 सेकंड कैसे मुझे हो रहे हैं? उसे मुझे क्या, उसे हाँ। मुझे क्या? इसके ऊपर जो सुनामी है उन्होंने रिप्लाई करा, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कंटेंट नहीं मिल रहा है फिर प्रमोशन कैसे करूंगा, कभी मैं गेम में नहीं खेला हूँ टीडीएम के अलावा, कुछ रोटेशन होती है जिसको पॉकेट रोटेशन बोलते हैं, एंड वो चीज़ या नॉलेज रख लो थोड़ी कॉम्पिटेटिव की। एंड इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी लिखी थी कि कोई सॉलिड प्रूफ लेकर आ, स्नेल ओपी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड उनकी स्टोरी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने बोला था इधर भी 1 सेकंड बोल दो क्या उसको एक बार। एंड इसके बाद हम बात करें BGS 2024 के बारे में, तो काफी ऐसे रूमर्स हमें सुनने में आ रहे हैं कि वो हमारे को मार्च एंड में देखने को मिल सकता है, एंड देखते हैं इसके ऊपर हमारे को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक देखने को मिलती है। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।